देश की संसद में SC/ST एक्ट को मंजूर करने के बाद करनी सेना व स्वर्ण समाज द्वारा विरोध जारी है। ये विरोध जनप्रतिनिधि का हो रहा है। अब तक कई बड़े नेताओं के विरोध के बाद मध्य प्रदेश में सबसे तेज तरार माने जाने वाले वे UP सरकार में मंत्री रहे आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को रविवार को काले झंडों का सामना करना पड़ा। करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन करके उस वक्त काले झंडे दिखाए जब सांसद भूरिया कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। आपको बता दें कि 5 सितंबर को इंदौर में सांसद कांतिलाल भूरिया ने बयान जारी किया था। इस बयान में उन्होंने स्वर्ण समाज को आरक्षण देने की वकालत करते हुए कहा कि वह समाज में स्वर्ण समाज को आरक्षण देने के पक्षधर हैं। इसके बाद भी करनी सेना ने रविवार को काले झंडे दिखाए हैं। हालांकि सांसद भूरिया को काले झंडे दिखाने से रोकने के लिए आयोजन स्थल बड़बड़ रोड पर भारी पुलिस बल तैनात था। इसके बाद भी करनी सेना झंडे दिखाने में सफल हो गई। उन्होंने लिखा है कि 6 सितंबर SC/ST एक्ट में आज हो रहे आंदोलन के पक्ष में नहीं हूं, पर यह सही है कि सबको अपना पक्ष रखने की आजादी है और संविधान में SC/ST के अधिकारों के साथ